नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? नाउ फाइन स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर नंबर 16 बिजली, उसकी जो एक्सप्लेन था वो भी हमने कर लिया है और हमने साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी डन कर लिए है, राइट? नाउ आज हम करेंगे हमारी पाठमाला। क्या करेंगे हम लोग हमारी पाठमाला? तो पाठमाला में पेज नंबर 96 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, राइट? पेज नंबर 96 हमने क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खाली स्थान भरिए, यानी कि हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। सबसे पहली, बिजली के बिना कोई डेज नहीं हो सकता। तो बिजली के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि बिजली है तो ही हम लोग सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने बिजली का लेसन किया तो बहुत सारी बातें इसकी देखी थी कि जो हम लोग बहुत बहुत और बहुत सारे अभी तक तो 90% चीजें जो हम लोग बिजली के उपयोग से ही करते हैं, राइट? बिजली के बिना कोई काम नहीं हो सकता। सेकंड वाला, बिजली के डेज को बार बार नहीं दबाना चाहिए। किसे बार बार नहीं दबाना चाहिए? याद करो हमारे लेसन में क्या था, बटन, राइट? बिजली के जो बटन होते हैं, दैट मीन्स की स्विच, उसको हम लोगों को बार बार दबाते रहना नहीं चाहिए। बिजली के बटन को बार बार नहीं दबाना चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड वाली, ग वाली, बटन को बार बार दबाने से डेज भी लग सकता है। अगर हम उसको बार बार दबाएंगे तो क्या लगेगा हमें? यस, करंट भी लग सकता है, राइट? बटन को बार बार दबाने से करंट भी लग सकता है। उसके बाद ग वाली, जरा सी डेज से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो जरा सी असावधानी पर, राइट? हम लोग थोड़ी सी भी असावधानी रखेंगे, यानी कि सावधानी नहीं रखेंगे, उसका उल्टा असावधानी। जरा सी भी असावधानी से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, डन। फिर उसके बाद हमें ध्यान पूर्वक डेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें ध्यान पूर्वक किसका इस्तेमाल करना चाहिए? यस, बिजली का, जिसकी हमने बात की थी कि हमें उसको वेस्ट करना चाहिए नहीं। अगर हम जिस कमरे में है तो दूसरे कमरे में हमें लाइट्स, पंखे, उसको ऑन रखना चाहिए नहीं। हमें बिजली का बचाव करना चाहिए, यानी कि हमें ध्यान पूर्वक बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी तरीके से ध्यान पूर्वक, जैसे कि उसको बचाना, या तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। कोई तार, खुले तार है, नंगे तार जैसे कि, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको कभी भी छूना चाहिए नहीं और बिजली का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। लास्ट वाली, हमें टीवी, रेडियो, पंखे, बल्ब डेज नहीं छोड़ने चाहिए। उसको चलाकर नहीं छोड़ना चाहिए, राइट? बल्ब चलाकर नहीं छोड़ना चाहिए। हम उसको छोड़ते नहीं, हम उसको स्टार्ट चालू नहीं रखते हैं नहीं। बहुत देर तक हम लोग टीवी देखते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं ना कि सुबह से टीवी चालू है, चलो बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, राइट? तो हमें उसको चलाकर रखना चाहिए नहीं। बिजली के बिना कोई काम नहीं हो सकता। बिजली के बटन को बार बार नहीं दबाना चाहिए। बटन को बार बार दबाने से करंट भी लग सकता है। जरा सी असावधानी से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। हमें ध्यान पूर्वक बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें टीवी, रेडियो, पंखे, बल्ब चलाकर नहीं छोड़ने चाहिए, राइट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ब्लैंक्स वाला, राइट? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी हमें। नाउ हमारा पेज नंबर 97। पेज नंबर 97 में क्या है कि हमारे पास आशंका, उसमें है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो उसमें क्या है कि दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्दों पर गोला लगाइए, यानी कि हमें 3 गलत आंसर है और 1 आंसर सही है। अंधेरा,
तो अंधेरा का दूसरा विलोम, विलोम यानी उल्टा। खास 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 ध्यान रखना है, समान शब्द और विलोम शब्द में एक जैसा नहीं कर देना है, राइट। विलोम शब्द यानी उल्टा, अंधेरा का उल्टा क्या होगा, प्रकाश वाला, राइट। तो बिजली, उजाला, अंधकार या काला, तो ऑफकोर्स क्या होगा, उजाला। अंधेरा तो उजाला, कहीं पर अंधेरा है तो कहीं पर उजाला है। फिर ठंडा, तो ठंडा का क्या होगा, फ्रीज, पानी, गर्म या चाय। ठंडा का उल्टा क्या होगा, फ्रीज, पानी, गर्म या चाय, तो क्या होगा, गर्म। ठंडा तो गर्म। फिर है ताजा, तो खाना, बासी, रस या खराब, ताजा। झोंके के नोट दिए इसको, इसलिए हम उसको ये अतिरिक्त व्यंजन है, इसलिए हम उसको ज रीड करेंगे। ताजा तो खाना, बासी, रस या खराब, तो ताजा का उल्टा क्या होगा, बासी। क्या होगा, बासी। फिर है हानि, हानि का उल्टा लाभ, नुकसान, फायदा या घाटा। तो लाभ क्या होगा, लाभ। हानि यानी नुकसान होता है, तो उसका उल्टा क्या होता है, लाभ होता है। हानि तो लाभ, फायदा भी हो सकता है अगर वहां पर हमें कुछ और वर्ड दिया होता, तो हानि तो लाभ, राइट। नुकसान तो फायदा, नुकसान वर्ड हो सकता तो वहां पर हम लोग फायदा लिख सकते, राइट। तो लाभ हानि का क्या होगा, लाभ। अंधेरा तो उजाला, ठंडा तो गर्म, ताजा तो बासी और हानि तो लाभ, राइट। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, बहुवचन बनाकर लिखिए। इसमें खास ध्यान रखना है, मैंने बहुत बार करवाया है कि कैसे करना है। देखो मैंने कई बार करवाया कि बहुवचन कैसे करने हैं। मशीन तो मशीने, एक मशीन है तो उससे ज्यादा मशीने, तो हमें क्या करना होगा उस पर, देखो यहाँ पर मशीना, तो उसका क्या होगा, मशीने, तो न के ऊपर मात्रा भी लगेगी और ऊपर अनुस्वार भी लगेगा। फिर है बस, तो बस का क्या होगा, बसे, क्या होगा, बसे, तो स के ऊपर मात्रा और अनुस्वार। फिर है तार, तो तार का क्या होगा, तारे, तारे यानी कि यहाँ पर बिजली की तार की बात है, तार की बात है नहीं, राइट, तारे। मशीन तो मशीने, बस तो बसे, तार तो तारे, राइट। और दूसरा पार्ट देखो, उससे खास मैंने बहुत बार ये बात समझाई आप लोगों को कि बहुवचन करते समय जब ई वाला कोई होता है शब्द, तब उसको बहुवचन करते समय क्या ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि रेलगाड़ी क्या है, रेल गा डी, राइट। तो यहाँ पर जब हमें इसका बहुवचन करेंगे तो सबसे पहले तो ये दीर्घ वर्ड है वो हो जाएगा ह्रस्व। जैसे कि रेलगाड़ी है, वो तो हमें पता है कि रेलगाड़िया, एक रेलगाड़ी, बहुत सारी रेलगाड़िया, ये शब्द पता है, पर उस शब्द को लिखते कैसे वो करना है। रेल, देखो उसको कैसे लिखते हैं वो हमें देखना है। रेल ल गा डी या, और या के ऊपर लगेगा अनुनासिक। हमने बहुत बार कर लिया है कि डी की मात्रा चेंज करेंगे और या के ऊपर अनुनासिक करेंगे तो ही हमारा बहुवचन सही होगा। हम लोग ऐसे लिखेंगे, रेल गा डी या, यहाँ पर अनुनासिक नहीं किया तो ये होगा रोम। हम लोग इसे करेंगे रेल गा डी या के ऊपर अनुनासिक किया बट मात्रा चेंज की नहीं, तो ये भी होगा रोम, राइट। यहाँ पर मात्रा भी चेंज करी है पर यहाँ पर अनुनासिक नहीं किया तो रोम होगा, यहाँ पर मात्रा चेंज नहीं किया अनुनासिक किया तो ये भी रोम होगा। दीर्घ मात्रा की है, स्व मात्रा करनी है और ऊपर अनुनासिक लगाना कंपलसरी है, राइट, तो ही ये राइट होगा। डन। देखो दूसरा शब्द देखते हैं, मोमबत्ती क्या है, मोम बत्ती, तो देखो ई की मात्रा कैसी है, दीर्घ है,
तो मोमबत्तिया हम क्या करेंगे, मोमबत्तिया। तो यहां पर देखो हमने ती की मात्रा भी चेंज की और या के ऊपर अनुनासिक भी लगाया, राइट। देखो कैसे करना है, मोम बत्तिया, राइट। तो यहां पर क्या किया, या के ऊपर अनुनासिक भी लगाया और ती की मात्रा भी चेंज की। उसके बाद देखो सब्जी, सब्जी, तो इसका हम क्या करेंगे, सब्जिया, एक सब्जी नहीं पर सब्जिया। तो देखो यहां पर आप लोग देखते होंगे कि कैसे वर्ड दिए हैं, संयुक्त व्यंजन वाले ज्वाइंट शब्द दिए हैं। देखो यहां पर सिंपल था बट यहां पर ये जुड़े हुए संयुक्त शब्द का हमें बहुवचन करना है। तो याद रखना है कि दोनों तब के आगे और जो संयुक्त व्यंजन है उसके आगे यहाँ पर मात्रा चेंज करके लिखनी है, राइट। रेलगाड़ी तो रेलगाड़िया, मोमबत्ती तो मोमबत्तिया, सब्जी तो सब्जिया, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू। खास इसमें बहुत ख्याल रखना है कि बहुवचन करते समय अनुनासिक या तो हमारा मात्रा चेंज करना रहना है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो हमने देखा था कि हमने ये लेसन देखा उसमें बहुत सारे अंग्रेजी वर्ड है, क्योंकि ये सारे वर्ड ऐसे कि जो हम लोग अंग्रेजी में ही बोलते हैं, राइट। हमें उसका गुजराती या हिंदी पता नहीं, हम लोग उसको पहले से ही इंग्लिश में ही बोलते हैं। हम लोग किसी से गलती हो जाते हैं बड़े कि मैंने माफ कर जो माफ कर जो, अपने तो कही सॉरी, ओके, अपने को आभार आभार आभार, हम जैसे क्या बोल देते हैं थैंक यू बोल देते ना। तो अभी की सिचुएशन के अनुसार हम लोग मोस्ट ऑफ शब्द है जो इंग्लिश में ही बोलते हैं, राइट। देखो जैसे कि मोस्ट ऑफ ज्यादा, देखो मशीन, बस, फ्रीज, रेडियो, टेलीविजन, आइसक्रीम, सेल, बटन, ये सारे शब्द कैसे हैं अंग्रेजी के ही है, राइट। मशीन, बस, फ्रीज, रेडियो, टेलीविजन, आइसक्रीम, सेल, बटन, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इस लेसन में हमने अंग्रेजी वर्ड देखे। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है पता है, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। तो शब्द में देखे क्या क्या है, को, में, का, के, से, की, तो ये सब क्या है पता है, ये है सहायक शब्द। क्या है, सहायक शब्द। सहायक कारक शब्द, राइट। कि जैसे कि हम लोग गुजराती में आए नोनी नानू आनू आम तेलू तेमनू बधाई पास आप नोनी नानू लगाड़िए, उसी तरह हिंदी में भी को, का, की, मे, से, राइट, ऐसे वर्ड लगते हैं, वो सारे होते हैं सहायक कारक शब्द। ये शब्द ऐसे है कि जिसके बिना वाक्य संपूर्ण होता नहीं, जैसे कि हम लोग उसके बिना रीड करते हैं, इन शब्दों के बिना रीड करते हैं। अपनी तथा घर सुरक्षा सदा ध्यान रखना चाहिए, अपनी तथा घर सुरक्षा सदा ध्यान रखना चाहिए। अभी हम लोग सहायक शब्द रख के बोलते हैं, अपनी तथा घर की सुरक्षा का सदा ख्याल रख, सदा ध्यान रखना चाहिए। तो हो गया, देखो यहाँ पर हमने सहायक शब्द लगाया तो वाक्य कैसे शुद्ध बना, सही बना, राइट। अपनी तथा घर की सुरक्षा का सदा ध्यान रखना चाहिए, राइट। सेकंड वाला देखो, आजकल बहुत से काम बिजली से होते हैं, आजकल बहुत से काम बिजली से होते हैं। थर्ड वाला, यदि बिजली को छू ले तो झटका लगता है, यदि बिजली छू ले तो, बट ऐसा सूट नहीं होता, ये शुद्ध वाक्य नहीं है, सही वाक्य नहीं। यदि बिजली को छू ले तो झटका लगता है। उसके बाद अचानक सारे घर में अंधेरा हो गया, अचानक सारे घर में क्या हो गया, अंधेरा। उसके बाद देखो, बिजली के बटन को ज्यादा नहीं दबाना चाहिए, बिजली बटन ज्यादा नहीं दबाना चाहिए, तो ये वाक्य अशुद्ध होगा। बिजली के बटन को
ज्यादा नहीं दबाना चाहिए। तो ये थे सहायक कारक शब्द जिससे हमारा वाक्य शुद्ध और सही बनता है, राइट। नाउ उसके बाद देखो क्या है, यस, सतरंगी रचनात्मक गति विद्या, यानी कि कुछ एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर वन, नीचे बनी वर्ग पहेली में बिजली से चलने वाली कुछ वस्तुओं के नाम है, उन्हें चुनकर लिखिए। हमें एक बॉक्स दिया है और उस बॉक्स में सारे बिजली से चलने वाले उपकरणों के नाम है जो हमें लिखने हैं, बल्ब, रेडियो, फिर ओवन, मेट्रो रेल, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, टेलीविजन, है ना। बहुत सारे शब्द है जो इसमें किससे बने हैं, यस, तरह किससे कहते हैं, बिजली से, राइट। ये सारे शब्द अभी हम आपको क्या करना है, नीचे अपने बिजली उसमें ये सारे शब्द लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, आपके घर में बिजली के कौन कौन से उपकरण है उनकी सूची बनाइए, यानी कि हमारे घर में बिजली से चलने वाली कौन कौन सी चीजें, उपकरण यानी कि चीजें कौन कौन सी है। तो बहुत सारी है, लैपटॉप, नहीं तो कंप्यूटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ओवन, बल्ब, रेडियो, मोबाइल, पंखा, एसी, होता है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बिजली की मदद से चलती है। मिक्सर, ग्राइंडर, फ्रूट जूसर, चलता है ना, ये सब कुछ बिजली की मदद से ही चलता है। टोस्टर, सैंडविच टोस्टर, राइट। फिर अभी यहाँ पर तो बहुत सारे हमारे घर में ऐसे भी उपकरण है जिसके नाम भी अभी हमें याद नहीं है, तो आप अपने तरीके से कोई भी उसमें जो बिजली से चलने वाले उपकरण है वो लिख सकते हैं, राइट। नाउ पेज नंबर 99, हमारे मित्र। तो जानते हैं कि हमारे मित्र कौन है, नहीं? चलो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे मित्र कौन कौन है, हमें भी नहीं पता। हमारे मित्र यानी कि ये नहीं है रामू शामू, वो सब हमारे मित्र नहीं, वो सब हमारे फ्रेंड नहीं कि हमारा ये स्कूल वाला फ्रेंड, हमें हमारा ट्यूशन वाला फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड नहीं। कैसे मित्र है जो हमारे सच में सहायक है, जैसे कि हमने एक लेसन है कि मित्र ऐसा होना चाहिए ना कि जो हमेशा हमारा साथ दे, तो हमेशा हमारा साथ देता है ऐसे मित्र कौन कौन से है, जो हमेशा हमारी कई ना कई रूप में मदद करते हैं, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति है, चलो देखते हैं। मेरे बहुत से दोस्त है, मेरे कुछ दोस्त छोटे हैं तो कुछ बड़े, जैसे कि हमारे साइड में कौन सा फोटो दिया है, फैमिली का, तो हमारे भाई बहन छोटे बड़े हैं तो वो भी हमारे मित्र है, हमारे मम्मी पापा भी हमारे मित्र है क्योंकि वो हमेशा हमारी, अगर हमें कभी भी मुसीबत होगी तो वो हमेशा हमें हेल्प करेंगे, राइट। मेरे बहुत से दोस्त है, मेरे कुछ दोस्त छोटे है तो कुछ बड़े, राइट। फिर दूसरा देखो, मेरे कुछ दोस्त पूछ वाले भी है, जैसे कि देखो गाय, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, हम लोग जानते हैं कि ये सारे जो हमारे जानवर है वो भी हमें कहीं ना कहीं रूप में मदद करते हैं। घोड़ा गाड़ी हो तो आपने मदद करी थी कि नहीं, घनी बार अपने सफर पर एंजॉय करिए थे, घनी बार वस्तुओं की हेरफेर खाई थी, राइट। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, गाय से हमें दूध मिलता है, कुत्ता होता है वो हमारे घर की रखवाली करता है, राइट। तो ऐसे हमारे दोस्त है जिसकी पूंछ वाले दोस्त, राइट। मेरे कुछ दोस्त पानी वाले भी है, जैसे कि मछली पानी में रहती है, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनका खोरा मछली है, तो वो उन लोगों को उस रूप में भी मदद करती है, राइट। और फिर हंस है, फिर कोई मछली, कमल देखो दिखाई दे रहा है तो कमल से हम लोग हमारे घर के डेकोरेशन करते हैं, तो ऐसे कुछ दोस्त जो पानी में है तो वो भी हमारे दोस्त है। मेरे कुछ दोस्त आसमान में उड़ते हैं, आप एक बार सिर्फ ऐसा सोच के देखिए कि जो पक्षी है, राइट, अगर वो नहीं होते तो हमारी दुनिया कैसी होती, बिल्कुल साथ। हम लोग नहीं उठते उससे पहले वो लोग उठ जाते हैं और पूरा वातावरण है वो एकदम सुंदर सा बना देते हैं, राइट।
कितना सुंदर, और उसकी जो आवाज होती है वो हमारे मन को बहुत अच्छी लगती है। और सुबह सुबह उनकी आवाज सुनना, खासकर कोयल है, मोर है, ऐसे पक्षियों को देखने में बहुत आनंद मिलता है, राइट। तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी है जो आसमान में उड़ते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पेज, मेरे दोस्त ये हरे भरे पेड़ पौधे और रंग बिरंगी फूल भी है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पेड़ पौधे हैं वो तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण मित्र है, राइट, क्योंकि तो वही हमें खाने पीने की चीजें सब कुछ देता है, राइट। ज्यादा से चीजें उसमें से ही मिलती है। मेरे दोस्त ये बारिश भी है, बारिश भी हमारे दोस्त है, क्योंकि तो अगर बारिश नहीं होगी तो खेत खलियाना कुछ भी होगा नहीं, नहाने का पीने का भी पानी मिलेगा नहीं। मेरे दोस्त ये सूरज पहाड़ भी है, अगर सूरज पहाड़ ये सब कुछ नहीं होता प्रकृति की चीजें तो हमारा जीवन भी असंभव था, राइट। ओहो, पर मेरा सबसे अच्छा मित्र कौन है? हाँ, किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग सब कहाँ पर सीखते हैं? किताबों में से। हमें हमारी लाइफ बनानी है, हमें हमारे जीवन में कुछ करना है, तो हमें अफकोर्स किताबों को हमारे मित्र बनाने होंगे। अगर हम लोग मित्र कैसे होंगे कि हमें उसके साथ हमेशा अच्छा लगता है, अगर हम लोग किताबों को अपना मित्र बना देंगे तो हमें भी उसके साथ हमेशा अच्छा लगेगा, है ना। तो हमें बहुत उसमें मजा आएगा और हम कभी भी एकदम पीछे नहीं रहेंगे, राइट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 16 पाठमाला में कंप्लीट होता है और अभी भी अभ्यास पुस्तिका में बाकी है, राइट। तो नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।